दोस्तों आपने अपने इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स और लाइक आई होप बढ़ा लिए होंगे, जो मैंने अभी पीछे वीडियो डाल रखी थी उनको आपने विजिट करके अपने फॉलोवर्स और लाइक इजीली बढ़ा लिए होंगे। लेकिन अब इंस्टाग्राम रीच भी तो बढ़ानी होती है दोस्तों। इंस्टाग्राम रीच भी तो बढ़ाओगे, मैं जानता हूँ कि आप पोस्ट डालते हो और वगैरह वगैरह इन चीज़ों से रील वगैरह से रीच बढ़ जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पाती। जो स्टेप्स मैं आपको बताऊँगा उनमें आपको रीच 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 तक मिल सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया थंबनेल, मेरी जो रीच है खुद की अब की जो रीच है मेरी वो 16,000 से भी ज़्यादा जा रही है। और मैं आपको ये अपना प्रीवियस 30 डेज का मैं अपना अपडेट दिखा देता हूँ इंस्टाग्राम को, जो मेरी रीच है यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मेरी इंस्टाग्राम की रीच है वो जा रही है लगभग 3,000 के आसपास। और जो मेरी मतलब व्यू ऑल इनसाइड करके आप देखते हो, ये स्क्रीनशॉट दूसरा स्क्रीनशॉट है, इसमें भी 3,000 लगभग है। तो अब मैं आपको अपनी रियल जो मेरी रियल जो लाइव जो इंस्टाग्राम की रीच है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये मेरा जो अकाउंट है वो ओपन हो रखा है। यहाँ पे मैं व्यू प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड में दिखा रहा है मेरी 30 डेज की रीच 914%। और मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ सी ऑल इनसाइट, जो मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाया भी था, तो अकाउंट रीच 16.4K लिखी हुई है। और यहाँ पर करंट डिस्ट्रक्शन, दोस्तों करंट डिस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि आपने जो करंट में पोस्ट डाल रखी है उन पर जो रीच आती है वो करंट डिस्ट्रक्शन में आ जाती है। तो ये तो तभी आपकी रेगुलर बनी रहेगी जब आप रोज़ाना डेली पोस्ट डालोगे। तो जो आगे आने वाले स्टेप्स हैं वो आपको बताऊंगा। तो इजीली यहाँ पे आपने अब ये रीच तो मेरी देख ली है, लेकिन अब ये रीच बढ़ती कैसे है, कैसे इसको बढ़ाना है, 16 क्या दोस्तों 1,00,000 तक भी आपकी रीच जा सकती है। तो बस स्टेप्स आप ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना। तो भाई सबसे पहले स्टेप ये रीच बढ़ाने का कि आप क्या करोगे, जब आप सुबह को रोज उठते हो या फिर रात के टाइम में, आपकी मर्जी आप कभी भी ला सकते हो, पर आपको ये काम डेली करना है। आप क्या करोगे, अपनी स्टोरी क्रिएट करोगे, ठीक है, और स्टोरी में आप अपनी पिक्चर या फिर फोटो या फिर गाना इस तरीके की चीज़ें नहीं लगाओगे, क्योंकि इनसे क्या होता है, इनसे जो इंप्रेशन होते हैं ना आपकी स्टोरी के वो बहुत ज़्यादा कम पड़ते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कौन सी स्टोरी लगानी है और इससे आपकी रीच कैसे बढ़ती है। आपको क्या करना है, या तो पोल क्रिएट करो या फिर कोई मैसेज क्रिएट करो या फिर कोई भी थॉट्स आप लिख सकते हो। आपने देखा भी होगा जो बंदे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स हैं जो कंटिन्यू बने हुए हैं, उन्होंने देखा होगा मैंने पहले स्टोरी भी लगानी शुरू की थी, यानी कि थॉट्स लगाने शुरू किए थे, फिर एक बार कॉम्पिटिशन भी कराया था। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से कर सकते हो, कोई थॉट्स लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि जब आप थॉट्स लिखते हो ना, तो थॉट्स में क्या होगा, जो आपका थॉट्स कोई पढ़ रहा है उसने आपकी स्टोरी को टच करके ऐसे रोक दिया, तो रोकने के बाद वो कितना टाइम ले रहा है, कितनी टाइम आपकी आईडी और उसकी आपकी स्टोरी उस बंदे के सामने ओपन हुई है। तो जितना ज़्यादा वॉच टाइम आपका आईडी का बढ़ेगा उतना ज़्यादा इंप्रेशन आपके बढ़ते चले जाएंगे। और हाँ, इससे भी ज़्यादा जो इंप्रूवमेंट कर दी आपकी रीच में वो है स्टोरी आपकी पोल की और एक स्टोरी आपकी कॉम्पिटिशन की। कॉम्पिटिशन यानी कि आप देखते होंगे कि कोई कोई बंदा वसीज करके लगाए रखता है, जैसे कि कैरिंग वैरायटी वसीज छोटू दादा या फिर अमित बढ़ाना वसीज राउंड 12 इस तरीके से। तो आप भी ऐसी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि बंदों को क्या होता है, बंदों को अच्छा लगता है वहाँ पे टच करना, वहाँ पे मतलब एक उत्साह सा रहता है कि भाई इनने अमित बढ़ाना लगा रखा है या फिर यहाँ पे छोटू दादा लगा रखा है, तो अमित बढ़ाना को वोट करो या फिर छोटू दादा को, मतलब इस तरीके से वे वोट करते हैं। आप अपने मन चाहे कुछ भी ला सकते हो, चाहे तो कोई भी खिलाड़ी, हीरो हीरोइन, एक्टर, मतलब कुछ भी इस तरह का ला सकते हो। तो इससे भी आपकी रीच काफ़ी बढ़ती है। अगर यकीन नहीं होता तो अभी आप ला के देख लो, आपकी काफ़ी रीच बढ़ जाएगी। और दोस्तों दूसरा स्टेप ये है कि आपको क्या करना होगा, जब आप पोस्ट डालते हो अपने इंस्टाग्राम पर, आप पोस्ट डालते हो, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालते वक्त आप एक पोस्ट मत डालो, ठीक है, एक पोस्ट के अलावा आप 2-3 तक पोस्ट डाल दो। इससे क्या होगा, जैसे कि आपकी कोई पोस्ट देख रहा है इंस्टाग्राम पर, तो उसमें क्या है भाई, आपने एक पोस्ट डाली फिर दूसरी भी डाल रखी है, मतलब मल्टीपल डाल रखे हैं ना, तो वो ऐसे करके देखेगा, ऐसे स्वाइप करेगा आपकी पोस्ट को। तो जब वो स्वाइप करेगा तो वहाँ पर अभी आपकी मतलब आईडी का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि उस बंदे के सामने, उस बंदे के फ़ोन में आपकी आईडी कितनी देर तक ओपन हो रही है। तो है तो आपकी आईडी और आप ही की पोस्ट है और आपका ड्यूरेशन भी चल रहा है। दोस्तों इंस्टाग्राम सब कुछ गिनता रहता है, भले ही आपको ना दिखाए, व्यू ऑल इनसाइट में आपको सब कुछ दिखाया जाता है कि कितनी रीच है, तो ये सब रीच में आपका जा करके जुड़ जाता है। और दोस्तों अगला स्टेप आपका ये है कि आप अपने इंस्टाग्राम पर रील डालिए। अगर डेली नहीं डाल सकते तो एक हफ्ते में एक रील डाल लीजिए, जैसे कि मैंने रील का तरीका बता रखा है डालने का, आप इस तरह डालिए, आपकी रीच और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और अभी तक अगर आपने रील वाली वीडियो नहीं देखी, रील कैसे डालें, तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हो और इजीली रील ला सकते हो। तो दोस्तों आपको क्या क्या काम करने हैं आप दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले तो आपको स्टोरी क्रिएट करनी है, रोजाना आपकी स्टोरी होनी चाहिए और वो ऐसी होनी चाहिए मतलब अट्रैक्टिव, मैंने आपको बता ही दिया।
उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, थॉट्स वगैरह या फिर कॉम्पिटिशन करा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आप जब भी पोस्ट डालते हो, फोटो डालते हो, तो मल्टीपल में डाला करो, दो या तीन फोटो इस तरीके से डाला करो, और ये पोस्ट आप डेली डालो, ठीक है। डेली नहीं तो फिर एक दिन छोड़ के डाल लो, और आप अपनी रील भी क्रिएट करो, रील को पोस्ट करो, हफ्ते में एक रील जरूर क्रिएट करो। अब आप समझ गए होंगे कि आपको अपने इंस्टाग्राम की रीच किस तरीके से बढ़ानी है और आपके फॉलोअर्स और लाइक किस तरीके से गेन होंगे। अगर आपकी जितनी ज़्यादा रीच होगी तो उतने ज़्यादा फॉलोअर और लाइक आएंगे, जितना ज़्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट बढ़ेगा तो उतना ही ज़्यादा मतलब आपका फेस लोगों की नज़रों में आएगा और आप धीरे धीरे फेमस होते चले जाओगे। और दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत, तो आई बटन पे जाके आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हो, वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हो। तो फिलहाल अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई प्रॉब्लम हो तो सीधा इंस्टाग्राम पे डीएम करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाना।